प्यारे बच्चों, आज हम हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक उड़ान का पाठ एक सबसे प्यारे बच्चे का अध्ययन करेंगे, जिसके कवि हैं रामेश्वर कांबोज हिमांशु। सूरज मुझको लगता प्यारा, लेकर आता है उजियारा, सूरज से भी लगते प्यारे, टिमटिम करते नन्हे तारे। कवि कहता है कि उसे सूरज का उजाला प्यारा लगता है, नन्हे तारे टिमटिम करते हुए उससे भी अर्थात सूर्य से भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तारों से भी प्यारा अंबर, बांटे खुशियां झोली भर भर, चंदा अंबर से भी प्यारा, गोरा चिट्टा और दुलारा। बच्चों को खुशियां बांटने वाला अंबर तारों से भी ज़्यादा प्यारा है, गोरा चिट्टा चांद अंबर से भी ज़्यादा प्यारा लगता है। चंदा से भी प्यारी धरती, जिस पर नदियाँ कल कल करती, पेड़ों की हरियाली ओढ़े हम सब के हैं मन को हरती। कवि कहता है यह धरती जिस पर पावन नदियाँ कल कल बहती हैं, चंदा से भी प्यारी है और पेड़ों की हरियाली ओढ़कर सबका मन हर लेती हैं, अर्थात सबका मन मोह लेती हैं। हंसी दूध सी जोश नदी सा, भोले मुखड़े मन के सच्चे, धरती से भी प्यारे लगते, खिलखिल करते नन्हे बच्चे। नन्हे बच्चे जिनके भोले मुखड़े पर दूध सी हंसी, नदी जैसा जोश, इनके हंसते चेहरे धरती से भी ज़्यादा प्यारे लगते हैं। इन बच्चों में राम बसे हैं, ये ही अपनी किशन कन्हाई, इन बच्चों में काबा काशी और नहीं है तीर्थ भाई। कवि कहता है इन बच्चों में ही राम कृष्ण की छवि है, इनमें ही चारों धाम के तीर्थ हैं, यही काबा और काशी का पुण्य देने वाले हैं। अर्थात यहाँ पर कहने का भाव यह है कि प्रकृति की प्रत्येक वस्तु, सूरज चांद तारे अंबर और प्यारी धरती, हम सबके जीवन का अभिन्न अंग है। ये मनुष्य को प्रकृति की अनमोल देन है। छोटे नन्हे व प्यारे बच्चे ईश्वर का रूप है, इनमें ईश्वर का वास है, इनकी हंसी छल और कपट से रहित है। धन्यवाद।